हेलो दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों आज की नई वीडियो में दोस्तों बताने वाला हूँ दोस्तों कैसे दोस्तों आप अपने डिवाइस में दोस्तों अलार्म को सेट करोगे। दोस्तों अपने फ़ोन में आप अलार्म लगाना चाहते हो, अलार्म सेटिंग को यूज़ करना चाहते हो, आप कैसे कर सकते हो आज की वीडियो में दोस्तों यही बात करने वाला हूँ। चलो दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों आपको अपने डिवाइस में क्या करना है अलार्म को सेट करने के लिए, अलार्म को यूज़ करने के लिए, तो दोस्तों आपको अपने डिवाइस में क्लॉक वाली सेटिंग को ओपन कर लेना है सबसे पहले। और दोस्तों क्लॉक सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको अपने फ़ोन में प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके अलार्म को ऐड कर लेना है, जो भी अलार्म आप यूज़ करना चाहते हो टाइम, मतलब जिस टाइम पर आप अलार्म यूज़ करोगे। दोस्तों यहाँ पर इसको मैं 16 कर लेता हूँ अभी के लिए। और दोस्तों यहाँ पर रिंगटोन को सेलेक्ट करेंगे, अलार्म रिंगटोन को जो भी आप रिंगटोन यूज़ करना चाहते हो यहाँ पर रिंगटोन पे क्लिक करके इसको अप्लाई कर दो। या दोस्तों यहाँ पर मैं अलार्म को ये बीप वाली रिंगटोन पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, अलार्म रिंगटोन अप्लाइड हो जाएगी सक्सेसफुली। अब दोस्तों यहाँ पर आप अलार्म को वाइब्रेट रखना चाहते हो या बिना वाइब्रेट के यूज़ करना चाहते हो, पहले इसको भी ऑन ऑफ कर लो। यहाँ से अलार्म को वाइब्रेट रखना है तो ऑन रखो और नहीं रखना तो ऑफ़ कर दो दोस्तों। और दोस्तों अलार्म को रिपीट करना चाहते हो डेली इसी टाइम पे, ओनली मंडे टू फ्राइडे, और कस्टम पे क्लिक करके ओनली संडे सैटरडे फ्राइडे थर्सडे वेडनेसडे ट्यूसडे मंडे सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर देना। ठीक है दोस्तों, सब कुछ सेट कर लिया, अलार्म सेटअप कर लिया, राइट क्लिक करेंगे और हमारे फ़ोन में अलार्म सेट। दोस्तों यहाँ पर आप टाइम चेक कर सकते हो सेकेंड के साथ, क्या टाइम हो रहा है और कितने सेकंड हो रहे हैं यहाँ पर आप ये भी चेक कर सकते हो। और दोस्तों बस 30 सेकंड के बाद हमारे फ़ोन में अलार्म बज जाएगा, नोटिफिकेशन आ चुका है पहले। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो टाइमर को यूज़ कर सकते हैं, और सर दोस्तों स्टॉप वॉच, और उसके बाद टाइमर को सेट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप टाइमर अगर लगाना चाहते हो यहाँ पर आप टाइमर सेट कर सकते हो इस तरीके से। आवर लिस्ट, मिनट लिस्ट है, और यहाँ पर सेकेंड है। दोस्तों बस कुछ ही सेकेंड रह गए, यहाँ पर आप देख सकते हो 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड अलार्म बज जाएगा। दोस्तों फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है, स्टॉप करेंगे क्योंकि हमने वाइब्रेट को ऑन कर रखा था। अब दोस्तों यहाँ पे मैं दोबारा से एक और अलार्म ऐड कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, और यहाँ पे हम इसको 70 कर। अब दोस्तों मैं अलार्म को यहाँ पे जो वाइब्रेट है इसको ऑफ़ कर देते हैं। ठीक है, ऑफ़ करने का दोस्तों हम वापस से राइट क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप दोस्तों अब जो आपका अलार्म आएगा दोस्तों बिना वाइब्रेट के करेगा, बिना वाइब्रेट के। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो नोटिफिकेशन है, अपकमिंग अलार्म है हमारा 17 पे। और दोस्तों यहाँ पे कितने सेकंड रह गए हैं, 30 सेकंड है अभी। तो जब तक दोस्तों यहाँ पर अलार्म पे क्लिक करके देख सकते हो टाइम वगैरह यहाँ पे, और चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ पे डन कर देना, टाइम को अगर चेंज करते हो तो यहाँ पे फिर डन पे क्लिक कर देना। और यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके दोस्तों सेटिंग को ओपन करोगे, आप अलार्म सेटिंग की वॉल्यूम वगैरह को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। दोस्तों बस कुछ ही सेकेंड रह गए हैं यहाँ पर, सब 10 सेकेंड रह गए हैं हमारे फ़ोन में। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 हमारे फ़ोन में अलार्म बज जाएगा बिना वाइब्रेट के। दोस्तों देख लो फ़ोन वाइब्रेट नहीं हो रहा है, पहले वाइब्रेट था, तो मैं करता हूँ इसको स्टॉप। दोस्तों इस तरह से आप अपने फ़ोन में अलार्म वाइब्रेट को और बिना वाइब्रेट के आप यूज़ कर सकते हो, और इनको ऐसे सेलेक्ट करके डिलीट कर देना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।